बनानी है। ये देखो ये मेरी दीदी है, ये उसकी पलटो है। कैसे हम लोग लाइन लगा के देखो घूम रहे हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और देखो ये घर पे हमारा स्वागत कैसे करते हैं, ये देखो एक ये है एक वो भी के लेना है? नहीं लोग। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग उठ गए हैं, आज खुशी भी जिम से आ गई है जल्दी। और आज मैं जा रही हूँ कांगड़ा, मैंने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया है, अभी उसके लिए जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे। और अब बोल रहे हैं रास्ता बड़ा ख़राब है, पता नहीं पापा बोल रहे हैं कि उधर से रास्ता बड़ा ख़राब है, अब देखते हैं। ओके जी, आप लोगों को मिलते हैं रास्ते में, और आपको जो है वो वीडियो दिखाएंगे हम रास्ते में कहाँ कहाँ गए हैं। माता के जाके आए अभी खुशी? गर्मी बहुत होगी वहाँ पे, कांगड़े वाले। ओके जी, मिलते हैं आप लोगों को रास्ते में। मैं और हमारे हस्बैंड जी जा रहे हैं, तो 2:30 बजे की हमारी मीटिंग है, बट देखते हैं पहुंच जाएंगे। वैसे हम लोग जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से, चलें? हाँ जी चलो जी। हाँ कहाँ जा रहे हो आप? कांगड़ा जा रहे हो, क्या कर रहे? बस घूमने जा रहे हैं। घूमने जा रहे हैं, बड़े दिन हो गए घूमे हुए ना। लो जी हम लोग जा रहे हैं कांगड़ा, भी हम पहुंच गए डमटाल। हमारा रोड ही बड़ा खराब है, ये बन रहा है, ये बन जाएगा फिर हम लोगों को आसानी हो जाएगी। बस देखिए जी रास्ता, अगर आप पठानकोट से जसूर वाली साइड जा रहे हैं तो ये पदड़ोवा पे रोड का काम लगा हुआ, देखो कितनी बुरी हालत है। मेरे ख्याल में जसूर पहुंचते पहुंचते एक दिन घंटा लग गया है ना। देखो सरकार ने रोड बनाने के लिए, इसीलिए कहते हैं कि रोड पे घर ना बनाए हाँ जी, इसलिए कहते हैं रोड पे घर ना बनाए। इतने अच्छे अच्छे घर जो है इन्होंने। नूरपुर की भी वही चेंज ही हो गई है ना, ये रेड़ियां उठा देने गए सारी चंबा। देखो जी नूरपुर कितना सुंदर बन गया, पूरी शॉप्स पूरी डल गई आगे से, बढ़िया। पूरा बन जाएगा तो फिर तो कमाल ही हो जाएगी, बहुत ही अच्छा है। कोटला इस साइड काम लगा हुआ जोरों पे, पुलिस वालों ने हमें आगे नहीं जाने दिया। देखो माता का मंदिर, पुलिस वाले बोले हैं कि उस साइड काम लगा हुआ है, हमें अब पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमा के भेज रहे हैं। अच्छा पूछिएगा अज वाला है, आज तक कांगड़ा भी बड़ी दूर लग गया नहीं, कांगड़ा पहले बोलते थे दिल्ली बड़ी दूर, आज लग रहा है कांगड़ा बड़ी दूर है। देखिए जी ये है कोटला, शायद हमें ऊपर कोटला ही भेज रहे हैं मुझे लग रहा है, ये है ना ये कोटला है ना, नूरपुर फॉरेस्ट डिवीजन जी। देखते हैं ये ट्रक वाला बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, हमें जाने तो प्लीज, हम लेट हो जाएंगे। वाह कितना बड़ा बनाया है ना, ऐसे लग रहा है जैसे जंगल से रास्ता निकाला हुआ है। नहीं देखिए हम ये उधर से घुमा के बत्ती मील पहुंचाएंगे, ये है नीचे बत्ती मील।
वापसी से इस साइड से जाना है। ये है, ये ज्वाली को जाता है रास्ता, और ये बना तो अच्छा है, बट अभी तो कुछ टाइम परेशानी होनी है सबको। हम कांगड़ा जल्दी पहुंच गए हैं, तो हमने गाड़ी ली है यहाँ से, तो ये सोच रहे हैं कि अगर हम 2:30 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट है, तो ये बोल रहे हैं कि हम गाड़ी का अलाइनमेंट करा लें। क्या कराने आए हैं? ऐसे भी तो आ सकते थे ना आप अकेले। ये है टोयोटा वालों का शोरूम कांगड़ा में। फायदा ले लिया, फायदा लो जी। हम लोग पहुंच गए हैं कांगड़ा का स्टोर। अभी हम जी हमने खाना खा लिया है, पिज्जा खाया है, इनको जबरदस्ती पिज्जा खिलाया। ये हंगरी पॉइंट कांगड़ा का अच्छा पिज्जा खाया है। लो जी हम कर रहे हैं शॉपिंग, इनको तो शॉपिंग भी जबरदस्ती से करानी पड़ती है। हम आए हैं कांगड़ा में, अभी हमारा टाइम बहुत है, इसलिए सोचा थोड़ी सी शॉपिंग ही कर लें, है ना जी। क्या लेना है? नहीं लो कुछ। लो जी हमारा काम हो गया है पूरा, पासपोर्ट में अप्लाई करने में मुझे आज यहाँ पे मेरी क्या होती है वो अपॉइंटमेंट थी, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, एक ही बार में उन्होंने बोल दिया, कोई डॉक्यूमेंट में गलती नहीं निकली, जो हमारे मन में टेंशन रहती है क्या ना कि गलती निकलेगी, बट कोई नहीं थी, अच्छे से हो गया। और अब हम जा रहे हैं घर को वापस, हम नया रूट पकड़ा है क्योंकि दूसरे रास्ते में वो बड़ा है, क्या बड़ा है, काम लगा हुआ है ना, रोड का काम चला हुआ है, वहाँ पे बड़ी परेशानी हो रही है हमें, धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा, इसलिए हमने नया रास्ता पकड़ा। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम। देखो वैसे कितने सुंदर लग रहे हैं पहाड़ और ये इलाका। हम हैं इस टाइम पे कांगड़ा में, ये देखो ये हमारे ड्राइवर साहब, इन्होंने आज मुझे सुबह से खाना कुछ नहीं खिलाया, बस एक पिज्जा खिला दिया, बस काम खत्म है ना। आज आपने भी नहीं बोला मैंने खाना खाना है। चलो कहीं पे घर का खाना खाते हैं। हाँ कहीं पे घर का खाना खाते हैं। तो ये यहाँ पे है सुनसान सा रास्ता ही, यहाँ मुझे लग रहा है इधर से लोग कम ही आते हैं शायद, है ना, है चलता है। अच्छा चलो जी देखते हैं आगे कैसा रास्ता है। पर एक बात है कि गर्मी तो हद से ज़्यादा ही है ना, गर्मी का तो कमाल ही है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, चाहे आप हिमाचल में चले जाओ चाहे जहाँ मर्जी चले जाओ, नहीं गर्मी तो गर्मी है जलाने वाली। शाम को होती होगी ठंड मुझे लग रहा है ना, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वो अपने अपने घरों अपने अपने घरों में रहे, घरों से बाहर ना निकले। हाँ वो बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप। सभी से रिक्वेस्ट है कि वो अपने घरों में रहे, आराम से रहे, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, घर से बाहर ना निकले, है ना। देखो हम लोग हिमाचल में ही घूम रहे हैं और हिमाचल में यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी है, तो घर पे रहे, जब थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाएगा तो तभी निकले घर से बाहर। देखो तू गाड़ी में भी जला रही है, ये ऐसे लग रहा है यहाँ पे कि मतलब और बाहर ही चल रहे हैं हम, गाड़ी का भी कोई फायदा नहीं। देखो
ज्यादा अच्छा है, यही पे घर बना लेते हैं है ना। बिल्कुल पहाड़ मतलब इदा खोरी के बना रहा है ना, कोई मतलब इसको कोई वो नहीं करा हुआ, सीमेंट से कुछ नहीं करा हुआ है ना, बस ऐसे ही है। देख लो, देखो गर्मी की वजह से जंगलों में कितनी आग लगी हुई है। देखो बहुत सालों के बाद हम आ रहे हैं अपनी दीदी के घर, घर वाले घर होंगे पहले तो ना, हाँ जी ते खेतर च पुजे हैं, देखिए सौ इतनी चिड़ी है बंद तो नहीं कर गया रास्ता होना इधर है। देखो लोग सारे अपने अपने घर आ सकते हैं, लोगों घर फिर खुला ही रास्ता। देखो के घर में तो कोई भी नहीं है, सब सोए हुए हैं। मम्मी पिछले लो जी हम आ गए हैं मासी के घर, अपनी सिस्टर के घर। ये है हमारे मासड़ जी और ये है हमारी अदिति जो छुप रही है। देखो अदिति देखो कैसे छुप रही है, अदिति पता तो लग गया ना सारे की अदिति सारे बोला अदिति तू लुके दी सामने आई है सामने इधर देख बड़ी बुरी शक्ल नहीं मेरी गल सुन, सोहनी तो है तू शक्ल आगी तू कलैना दी का। हेलो हेलो गाइस, हां बाद में करेंगे बात। हां जब अच्छे कपड़े पाने हैं तो करनी है नहीं गल। हमारी दीदी कैमरे के आगे ये हमारे लिए लेके आई है चाय। हुन तो तू आना ही है ब्लॉग च, हुन दा हुन तेरा पूरा सूट भी ले लिया मैं। नवे कपड़े पाने मैं फिर बनाना है। अच्छा के बना दी शैल शैल है क्यों नहीं शैल देखा दीदी शैल। देखो मेरी भैन है ना मेरे देखा बड़ी ओ देख के गाले लगा दे। ये क्या है, ये कौन सीरा है, ये सीरा है। इसको आप तरकीरा बोलते हैं। अब इसको पैक कर दो, हम इसको घर ले जाकर खाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कितना सोहना लगा है ना। ये लो जी, बड़ी मेहनत से बनता है ये। हाँ है ना, बहुत आने के ना आया था कुत्ते का के ना रखा था जूरो 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 जूरिया करना ना जूरो शाला मार। ये देखो ये मेरी दीदी है, ये उसकी पलटन है। कैसे हम लोग लाइन लगा के देखो घूम रहे हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, सभी बड़े सुंदर लग रहे हैं, सभी सुंदर लग रहे हैं। लाइन लगा के घूम रहे हैं, बाहर का मौसम ही पता। लो जी रात के बजने वाले हैं, बज गए हैं 8:30, हम लोग पहुंच गए हैं घर से, निकल आए हैं दीदी के घर से। हमने आज घर पे पहुंचना ही पहुंचना है, और अभी हम पहुंचे हैं केड़ी जगह है, ज्वाली। ये है हम पहुंचे हैं ज्वाली कैरिया के मोड़, तो अभी हमें आगे पहुंचने में लग जाएगा, घर पहुंचने में घंटा लग जाएगा एक घंटा डेढ़ घंटा। जैसे ही हमने एंट्री करा वैसे ही यहाँ की लाइट चली गई ठा करके है ना,
ये अच्छा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। शॉप सारी क्लोज हो रही है, तो ये बड़ा सुंदर बन गया है यहाँ पे। डॉक्टर ड्यूज बढ़िया बना हुआ है ये सारा। ये है कह रही हूँ का मोड़, अंदर बाजार बने रहा है ना। देखिए मार्केट है छोटी सी, तो अभी मैं आपको घर पहुँचती हूँ। हम एक डेढ़ घंटे में फिर आपसे मिलते हैं। लाइटें बड़ी पड़ रही हैं वहाँ पे तो। हेलो जी, हम लोग आ गए, पहुँच गए घर। और देखो ये घर पे हमारा स्वागत कैसे करते हैं, ये देखो। एक ये है, एक वो पीछे स्काई। हमें आते आते घर में पहुँचते पहुँचते बज गए हैं 10, और अब सोने की तैयारी में है। तो ये सोने भी नहीं दे रहे, देखो। ले उसको उठा ले स्काई, ले खुशी ना कर यार। कोको जाओ नीचे सोने दो मुझे। ओके गाइस, गुड नाइट। आप ऐसे हमारे चैनल को देखते रहे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। इन बतमीजों को ले जाओ घर। कितने बतमीज, दे खुशी दे दे यार उसको, दे दे, मुझे तंग कर रहा है। ओके जी, बाय बाय, गुड नाइट।